कल्प भेद आखिर क्या है? रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और मैं ऐसी ही पौराणिक कहानियां सुनाता हूं। अभी हाल ही में मुझसे किसी ने पूछा कि हमने एक ही कहानी बड़ी अलग-अलग तरीके से सुनी है, वो ऐसे कैसे हो सकता है? किसी ग्रंथ में कुछ और लिखी है, किसी पुराण में कुछ और लिखी है, रामायण में कुछ और तरीके से बताई गई है। तो देखिए, इन कथाओं को जिसमें भेद आ जाता है, इसे कहते हैं कल्प भेद। सबसे पहले आप कल्प को समझिए। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है और एक कल्प में ना जाने कितने ही बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग घटित होता है, बहुत बार। तो जब ये बहुत बार घटित होता है तो एक ही कहानी बहुत तरीके से दिखाई जाती है। उदाहरण के तौर पर आप इसे ऐसे समझिए, गणपति जो है वो एक दांत वाले हैं, एक दंत गणपति। लेकिन इनके एक दांत होने के पीछे कई कहानियां हैं। कभी बताया जाता है कि जब शिव जी ने कहा कि किसी प्राणी का सर लेकर आओ, तो उन्होंने कहा कि एक दांत वाले हाथी का ही सर लेकर आना। किसी कहानी में बताते हैं कि परशुराम जी से लड़ते हुए उनका एक दांत टूट गया। कहीं बताते हैं कि हनुमान जी से उनका युद्ध हुआ था, एक दांत टूट गया। किसी कहानी में कहते हैं कि महाभारत लिखते समय उन्होंने अपना एक दांत तोड़ दिया। तो अब कहानी के कहने के तरीके अलग अलग हैं कि दांत तो टूटना ही है, रिजल्ट क्या होगा कि गणपति एक दंत वाले कहलाए जाएंगे, उनका एक दांत टूटेगा, लेकिन तरीका बदलता रहेगा। इसे कहते हैं कल्प भेद होना, अलग अलग कल्पों में अलग अलग कहानी, जिसका जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो वही आएगा जो ओरिजिनली है। एक और एग्जाम्पल से समझिए। बताया जाता है कुछ कहानियों में सती जी को दक्ष की बड़ी बेटी बताते हैं, कुछ में मझली, कुछ में सबसे लाडली और छोटी बेटी बताया जाता है। अच्छा, बहुत से लोगों को इस बात का भी आइडिया नहीं है कि जो रावण है वो हर कल्प में एक नहीं होता है, रावण बदलते रहते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सबसे प्रचलित कहानी जो रावण के पूर्व जन्म की है वो है जय विजय की, कि जय विजय विष्णु जी के पार्षद थे, उन्हें श्राप दिया गया, वो पृथ्वीलोक में राक्षस योनि में जन्मे, एक रावण बना और एक कुंभकर्ण बना। एक और कथा ऐसी आती है कि जब शिव जी ने जलंधर राक्षस का वध किया तो वो अपने अगले जन्म में रावण बना। और एक और कहानी आती है कि एक राजा हुए प्रताप भानु नाम के, जो बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, ब्राह्मणों की सदैव सेवा करते थे, प्रजा की सेवा करते थे। उन्हें एक बार एक नकली ऋषि मिलते हैं जो उनसे जलते थे और वो उनका बुरा चाहते थे। तो इस नकली ऋषि ने राजा प्रताप भानु को यह सलाह दी कि आप ब्राह्मणों के लिए भोज बनाइए। राजा तैयार हो गए। अच्छा, ये जो ब्राह्मणों के लिए भोज बन रहा था, इसके खाने को दूषित कर दिया इस नकली ऋषि ने। जब भोज के समय ब्राह्मणों को खाना दिया गया और ब्राह्मणों को ये पता लगा कि खाना जो है वो दूषित है, तो ब्राह्मणों ने गुस्से में राजा प्रताप भानु को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने हमें दूषित खाना खिलाया है, आपकी प्रवृत्ति राक्षसी है, इसीलिए आप, आपका परिवार और आपके मंत्री सभी राक्षस योनि में जन्म लेंगे। हालांकि क्योंकि वो प्रतापी राजा थे, धर्मात्मा थे, इसीलिए उनकी किस्मत में ये आया कि वो श्री राम जी के हाथों तर जाएंगे। तो प्रताप भानु जो थे वो रावण बने, उनके भाई कुंभकर्ण और विभीषण बने और बाकी लोग उसी कुल में जन्मे। तो इसी तरीके से कल्प में आपको भेद मिलेगा, कल्प की कथाओं में आपको भेद मिलेगा, परिणाम वही होगा, रावण होगा, श्री राम होंगे, श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करेंगे, बट ये रावण कभी जय विजय में से कोई एक होगा, कभी जलंधर हो सकता है, कभी राजा प्रताप भानु हो सकते हैं, या शायद इसके अलावा भी कोई और। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आपको कल्प भेद समझ में आ गया होगा कि आखिर कल्प भेद क्या होता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछता है कि यार मैंने एक कहानी ऐसी सुनी थी, एक कहानी वैसी सुनी थी, कौन सी सही है, तो आप उनसे कहिए कि दोनों ही सही हो सकती हैं, ये कल्प भेद में आता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप कोई कहानी जानना चाहें या कोई किसी विषय में बात करना चाहें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी कल्प भेद समझ में आ सके। मेरा नाम है अखिल, फिलहाल के लिए इतना ही।